मामला लखीमपुर जिले के कस्बा खीरी टाउन का है। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लड़की के भाई इसरार ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और खीरी थाने में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। भाई ने बताया कि उसने अपनी बहन जैनब पुत्री अबरार की शादी बबलू पुत्र नादिर, जो कि मोहल्ला जोशी टोला खीरी का रहने वाला था, 5 साल पहले की थी। उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अतिरिक्त दहेज की मांग लगातार हो रही थी। ससुराल वाले उसकी बहन को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मारते पीटते थे, परेशान करते थे। मांगे ना पूरी होने पर ससुराल वालों ने मिलकर उसकी बहन की जान ले ली है। वहीं पर थाना खीरी द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना प्रभारी हनुमंत लाल तिवारी ने बताया कि आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। एक मिनट जी, बताएं क्या है पूरा मामला। जी, एम जिला सीतापुर से है, पिसावा से। जी, ये मेरी बहन की यहाँ खीरी में शादी हुई थी और मेरी बहन को मार डाला और वो दूसरे ने हमको बताया फोन करके आपकी बहन एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद में वो लोग हमको सूचने नहीं दिया, उनके घर वाले ने फोन किया, ऐसी ऐसी बात है, एडमिट है, तो हमने कहा तो ठीक, इसके बाद कोई फोन ही नहीं किया। सूचना आपको कब मिली थी? सूचना हमको मिल गई थी कल, कल हमको मिली सूचना थी। फिर उसके बाद में मेरी बहन से दहेज मांग रहे, आज तो हमको लेके दे दो, ये लेके दे दो तब रखेंगे, और बाल बच्चे नहीं होते थे, कह रहे बाल बच्चे नहीं होते तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारा कुछ नहीं, 1-2 लाख थाने में भर देंगे। तो आप पिसावा से बहन के घर कब आए थे यार? जी, कब आए थे आप? हम आज आए थे सुबह। क्या देखा? हमको दूसरे ने बताया तो हम आए। क्या देखा जब वहाँ घर? देखा निशान है गले में ये सब, और मुंह पूरा सूजा हुआ है, पीठ में सब मतलब बरते भरी है, चोट के निशान है। जी जी, चोट के निशान है। अब मेरे पास फोटू भी है, आप दिखा दें। क्या लगता है प्रताड़ित किया जाता था? माल डाला, गला दबा के। इससे पहले आपको कोई फोन ओन आया आपके पास की परेशान करते हैं? हर दिन मेरी बहन की बात होती, शाम को करती, सुबह 5 बजे जरूर फोन करती थी। उस दिन शाम को 11 बजे रात तक मेरी बात हुई, सुबह फोन ही नहीं आया। तो यहाँ पर विवाद भी हुआ आपसे किसी से? क्या कोई विवाद नहीं हुआ। हमारी बहन को बहुत परेशान करते थे, जब कहते थे मार डालेंगे, जो कुछ नहीं कर पाऊंगे 1-2 लाख खाने में दे देंगे। नहीं, आज जब घर पर आए तो आपसे भी विवाद किया उन्होंने? तो हम घर पे आए हुए थे, वहाँ पे हमको दूसरे ने बताया, तो वहाँ पे हम गए, देखा बनाया पहले, देखा तब निशान बने, तब हम थाने में गए, FIR किया था, तब बताया दरोगा साहब आए, यहाँ पे सब देखा, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ भेज दिया। तो इसकी शिकायत की है आपने कहीं? जी, शिकायत की है आपने कहीं? पोस्टमार्टम के लिए FIR किया है। क्या चाहते हैं आप? इनको सजा होना चाहिए। बहन भाई का नाम क्या है आपके? बहन का जैनब। उसके पति का? बबलू। कहाँ का निवासी है ये? खीरी मोहल्ला। जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि शुरू से ही ये लोग प्रताड़ित करते रहे हैं पूरा परिवार को, हमारी बहन को। कभी मोटरसाइकिल, कभी ऑटो रिक्शा, कभी दुकान करा दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, यही सब करते रहे। लास्ट में परसों वाले दिन 11 बजे रात तक बहन से बात हुई है, चाचा की और चाची की, करीब 2 घंटे तक। उसके बाद में दूसरे दिन 11 बजे खबर देते हैं कि वो ख़त्म हो गई है। तो आप लोग घर पर पहुंचे थे तो क्या देखा? हम लोग घर पर पहुंचे हैं तो पूरा सब कुछ हमने देखा कि उसके पीठ में चोट लगी है और गले में भी निशान है, तो यही सब हम लोगों ने देखा। तो क्या लगता है आपको? हमें तो हत्या लग रही है। तो शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, पोस्टमार्टम हो गया। जी, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। शिकायत की कहीं पर आपने? थाने में शिकायत। इससे पहले परेशान करता था क्या लड़का? हाँ, लड़का, लड़के की सास, ससुर, उसका देवर, उसकी ननद और एक उसकी खाला है, मौसी। लड़का रहने वाला कहाँ का है? ये कौन मोहल्ला है? खीरी जोशी टोला। जोशी टोला।